आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 26। बी टू के लीज फॉर 10 ईयर्स। बी 10 ईयर्स के लिए लीज लिया है। रॉयल्टी इज ₹1 पर टन। रॉयल्टी एट द रेट ऑफ ₹1 पर टन कैलकुलेट होगा। मिनिमम रेंट इज ₹10,000 पर ईयर। मिनिमम रेंट 10,000 पर ईयर है। ईच ईयर शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी रिकूप्ड इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। हर एक साल के शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 2 ईयर्स तक रिकूप्ड किया जा सकता है। बट दिस रिकूपमेंट शुड नॉट बी मोर देन ₹3,000 इन एन ईयर। लेकिन किसी भी ईयर शॉर्ट वर्किंग 3,000 से ज़्यादा रिकूप्ड नहीं किया जा सकता। आउटपुट इज एज अंडर। आउटपुट दिया हुआ है फर्स्ट ईयर में 6,000 टन, सेकेंड ईयर में 8,000 टन, थर्ड ईयर में 15,000 टन, फोर्थ ईयर में 8,500 टन एंड फिफ्थ ईयर में 7,500 टन। देयर वॉज ए स्ट्राइक फॉर 3 मंथ्स इन द फोर्थ ईयर एंड लॉकआउट फॉर 3 मंथ्स इन द फिफ्थ ईयर। फोर्थ ईयर में 3 मंथ्स स्ट्राइक रहा है एंड फिफ्थ ईयर में 3 मंथ्स लॉकआउट रहा है। देयर इज प्रोविजन ऑफ 40% कॉन्सेशन इन मिनिमम रेंट फॉर द पीरियड ऑफ लॉकआउट इन द ईयर ऑफ लॉकआउट एंड इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक। मिनिमम रेंट विल बी प्रो राटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वर्किंग मंथ्स। यदि किसी ईयर लॉकआउट होता है तो जितना पीरियड तक लॉकआउट रहेगा उस पीरियड का मिनिमम रेंट में 40% कॉन्सेशन मिलेगा। और यदि किसी ईयर स्ट्राइक होता है तो जिस ईयर स्ट्राइक होता है उस ईयर में एक्चुअल वर्किंग मंथ्स के बेसिस पे मिनिमम रेंट को प्रोपोर्शनेटली एलोकेट करेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडी इक्वल टू 30% ऑफ द अनरिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग्स। जितना अनरिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग्स है उसका 30% इक्वल गवर्नमेंट सब्सिडी ग्रांट कर रही है। इन द बुक्स ऑफ बी लैंडलॉर्ड अकाउंट शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट एंड गवर्नमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। बी क्लोजेस हिज बुक्स एवरी ईयर ऑन 31st मार्च। बी एवरी ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31st मार्च को क्लोज कर रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस टेबल का प्रोफॉर्मा रेडी है। फर्स्ट ईयर में आउटपुट है 6,000 टन, सेकेंड ईयर आउटपुट है 8,000 टन, थर्ड ईयर आउटपुट है 15,000 टन, फोर्थ ईयर में आउटपुट है 8,500 टन, फिफ्थ ईयर में आउटपुट है 7,500 टन। रॉयल्टी है एट द रेट ऑफ ₹1 पर टन। मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 टन इंटू 1 6,000, सेकेंड ईयर में 8,000, थर्ड ईयर में 15,000, फोर्थ ईयर में 8,500, फिफ्थ ईयर में 7,500। मिनिमम रेंट है ₹10,000 पर ईयर। फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में 10,000, थर्ड ईयर में 10,000, फोर्थ ईयर में 3 मंथ्स स्ट्राइक है एंड फिफ्थ ईयर में 3 मंथ्स लॉकआउट है। तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है जिस ईयर स्ट्राइक है उस ईयर मिनिमम रेंट एक्चुअल वर्किंग मंथ्स के बेसिस पे प्रोपोर्शनेटली एलोकेट कर देंगे। और जिस ईयर लॉकआउट है तो जितना पीरियड लॉकआउट रहा है उस पीरियड का मिनिमम रेंट में 40% कॉन्सेशन मिलेगा। फोर्थ ईयर में 3 मंथ्स स्ट्राइक है तो उस केस में फोर्थ ईयर में एक्चुअल वर्किंग मंथ्स कितना है 9 मंथ्स। तो यहाँ पर फोर्थ ईयर में स्ट्राइक के कारण मिनिमम रेंट प्रोपोर्शनेटली एलोकेट होगा। मीन्स फोर्थ ईयर में मिनिमम रेंट 9 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम रेंट इन फोर्थ ईयर कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल है मिनिमम रेंट 10,000, ईयर 12 मंथ्स का है तो एक्चुअल वर्किंग मंथ्स है 9 मंथ्स क्योंकि 3 मंथ्स से स्ट्राइक रहा है। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 7,500। तो फोर्थ ईयर का मिनिमम रेंट 7,500, फिफ्थ ईयर में 5th ईयर में लॉकआउट है। और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है जितना पीरियड लॉकआउट है उस पीरियड का मिनिमम रेंट में 40% कॉन्सेशन मिलेगा। तो लॉकआउट पीरियड है 3 मंथ्स।
ये तो मिनिमम रेंट है 10,000, लॉकआउट कितना है 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का मिनिमम रेंट 40%, जितना आएगा उतना कॉन्सेशन मिल जाएगा 10,000 बाय 12, 12 से डिवाइड करेंगे इन टू 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स का आ गया, इसका 40%, और ये आएगा 10,000 माइनस, ये डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,500, और उसका 40% 1,000, लेस करके 9,000, मीन्स मिनिमम रेंट इन फिफ्थ ईयर 9,000। फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, डिफरेंस 4,000 शॉर्ट वर्किंग, सेकेंड ईयर में 2,000 शॉर्ट वर्किंग, थर्ड ईयर में 5,000 सरप्लस, फोर्थ ईयर में 1,000 सरप्लस, फिफ्थ ईयर में 1,500 शॉर्ट वर्किंग। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है ईच ईयर शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी रिकूप्ड इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, मीन्स हर एक साल के शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 2 ईयर्स तक रिकूप्ड किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन यह है कि किसी भी ईयर शॉर्ट वर्किंग 3,000 से ज़्यादा रिकूप्ड नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग, इसका नेक्स्ट फर्स्ट ईयर, यहाँ नो सरप्लस रिकूप्ड नहीं हो पाएगा। इसका नेक्स्ट सेकेंड ईयर यहाँ पर है, यहाँ 5,000 सरप्लस है, तो शॉर्ट वर्किंग है 4,000, सरप्लस है 5,000, जितना शॉर्ट वर्किंग है उससे ज़्यादा सरप्लस है, लेकिन कंडीशन यह है कि किसी भी ईयर 3,000 से ज़्यादा रिकूप नहीं कर सकते। तो इस 4,000 में से यहाँ पर मैक्सिमम 3,000 ही रिकूप हो पाएगा, तो जो डिफरेंस है 4,000 माइनस 3,000, 1,000 नॉट रिकूप ट्रांसफर टू पीएल वाला कॉलम में आ जाएगा, 1,000 नॉट रिकूप ट्रांसफर टू पीएल वाला कॉलम में। तो 1,000 तो पीएल में ट्रांसफर होगा, लेकिन गवर्नमेंट 30% सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, 30% ऑफ 1,000 300, मीन्स पीएल में ट्रांसफर कितना होगा 700। अब सेकेंड ईयर का जो शॉर्ट वर्किंग है, इसका नेक्स्ट फर्स्ट ईयर यहाँ है, लेकिन यहाँ जो सरप्लस है उस सरप्लस से इस शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो इसका जो नेक्स्ट सेकेंड ईयर है वो यहाँ पर है, यहाँ पे सरप्लस कितना है 1,000, तो मैक्सिमम कितना रिकूप हो पाएगा यह शॉर्ट वर्किंग 1,000। तो इस शॉर्ट वर्किंग का यह नेक्स्ट ईयर्स यहाँ पर टाइम ओवर, 2,000 में से 1,000 रिकूप हो गया, तो जो डिफरेंस है 1,000 नॉट रिकूप, लेकिन गवर्नमेंट जितना शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप है उसका 30%, मीन्स 1,000 का 30% 300 सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो जो डिफरेंस है 700 नॉट रिकूप ट्रांसफर टू पीएल वाला कॉलम में। यहाँ पर ये जो मिस्टर बी है लीस्ट 10 ईयर्स के लिए लिया है, और ये मेरे पास ओनली फॉर 5 ईयर्स का इंफॉर्मेशन है, तो ये जो फिफ्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग है इसका नेक्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ बाकी है, इसलिए शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप ट्रांसफर टू पीएल में इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट व्हिच ईयर इज ग्रेटर, उसमें शॉर्ट वर्किंग रिकूप लेस करेंगे, कौन ग्रेटर है 10,000 माइनस जीरो 10,000, यहाँ कौन ग्रेटर है 10,000 माइनस जीरो 10,000, यहाँ 15,000 माइनस 3,000 12,000, यहाँ 8,500 माइनस 1,000 7,500, यहाँ कौन ग्रेटर है 9,000 माइनस 0 9,000। इन द बुक्स ऑफ बी लेसी प्रोफॉर्मा रेडी है, आइए पोस्टिंग करते हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट एंट्री व्हेन रॉयल्टी ड्यू एंट्री क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग 4,000, फर्स्ट ईयर 31st March, लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रिएटेड बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट,
रॉयल्टी में 6,000, शॉर्ट वर्किंग 4,000, फर्स्ट ईयर 31st March, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सेक्रेटरी वेन अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड एंट्री, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंट 10,000, फर्स्ट ईयर 31st March, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर लास्ट एंट्री व्हेन रॉयल्टी अकाउंट इज ट्रांसफर टू पीएल, ये पोस्टिंग नहीं होगा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट, लैंडलॉर्ड अकाउंट बोथ साइड इक्वल, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है बाय बैलेंस सीडी 4,000, फर्स्ट ईयर 31st March, ये सी डी यहाँ टू बैलेंस बी डी 4,000, सेकेंड ईयर 1st April, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग 2,000, 31st March, लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिटेड बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी में 8,000, शॉर्ट वर्किंग में 2,000, सेकेंड ईयर 31st March, 31st March, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर सेक्रेटरी व्हेन रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड एंट्री, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंट 10,000, सेकेंड ईयर 31st March, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर लास्ट एंट्री, वो पोस्टिंग नहीं होगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है बाय बैलेंस सी डी 6,000, सेकेंड ईयर 31st March, ये सी डी यहाँ टू बैलेंस बी डी 6,000, थर्ड ईयर 1st April, लैंडलॉर्ड अकाउंट बोथ साइड इक्वल 10,000, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर फर्स्ट एंट्री व्हेन रॉयल्टी ड्यू एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रिएटेड बाय रॉयल्टी अमाउंट 15,000, थर्ड ईयर 31st March, व्हेन रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड एंड शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड एंट्री, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बैंक में 12,000, शॉर्ट वर्किंग 3,000, थर्ड ईयर 31st March,
लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिटेड बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट अमाउंट 3000, थर्ड ईयर 31st March, थर्ड ईयर में 1000 शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप्ड है, उसमें से 30% 300 गवर्नमेंट से सब्सिडी रिसीव हो रहा है और जो बैलेंस अमाउंट है 700 वो पीएल में ट्रांसफ़र हो रहा है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर थर्ड एंट्री व्हेन गवर्नमेंट सब्सिडी ड्यू एंट्री गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, तो गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट अमाउंट 300, थर्ड ईयर 31st March, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिटेड बाय गवर्नमेंट अकाउंट 300, 31st March, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर फोर्थ एंट्री व्हेन गवर्नमेंट सब्सिडी रिसीव्ड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक अकाउंट अमाउंट 300, थर्ड ईयर 31st March, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर लास्ट एंट्री व्हेन रॉयल्टी अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू पीएल एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिटेड बाय पीएल अकाउंट शॉर्ट वर्किंग कितना ट्रांसफर हो रहा है पीएल में 700, 31st March, थर्ड ईयर कंप्लीट, बाय बैलेंस सीडी 2000, 31st March, टू बैलेंस पीडी 2000, फोर्थ ईयर 1st April, गवर्नमेंट अकाउंट बोथ साइड इक्वल, लैंडलॉर्ड अकाउंट भी बोथ साइड इक्वल, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर फर्स्ट एंट्री व्हेन रॉयल्टी ड्यू एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रिएटेड बाय रॉयल्टी अमाउंट 8500, फोर्थ ईयर 31st March, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर सेकेंड एंट्री व्हेन रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड एंड शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बैंक में 7500, शॉर्ट वर्किंग में 1000, फोर्थ ईयर 31st March, 31st March, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिटेड बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 1000, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर थर्ड एंट्री यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप्ड 1000, तो उसमें से 30% 300 गवर्नमेंट से सब्सिडी रिसीव हुआ, तो नॉट रिकूप्ड ट्रांसफर टू पीएल कितना है फोर्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग 700, तो व्हेन गवर्नमेंट सब्सिडी ड्यू एंट्री गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, द गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 300, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट 300, फोर्थ ईयर 31st March, 31st March,
फोर्थ ईयर 31st March एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर फोर्थ एंट्री वेन गवर्नमेंट सब्सिडी रिसीव्ड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट द गवर्नमेंट अकाउंट क्रिएटेड बाई बैंक अकाउंट 300 फोर्थ ईयर 31st March एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर लास्ट एंट्री वेन रॉयल्टी अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग फंड इज ट्रांसफर टू पी एल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग द शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रिएटेड बाई पी एल अमाउंट 700 फोर्थ ईयर कंप्लीट। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। टू थाउजेंड यहाँ 300 लैंडलॉर्ड अकाउंट बोथ साइड इक्वल 8500। अब आई एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर ये शॉर्ट वर्किंग का जो फॉर्मेट है अब यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग का प्रोफॉर्मा ड्रॉ करेंगे। वन ईयर का पोस्टिंग बाकी है अभी। एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर फर्स्ट एंट्री वेन रॉयल्टी ड्यू एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट अमाउंट 1500 फिफ्थ ईयर 31st March लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रिएटेड बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी में 7500 शॉर्ट वर्किंग में 1500 फिफ्थ ईयर 31st March 31st March वेन रॉयल्टी पे टू लैंडलॉर्ड एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंट 9000 फिफ्थ ईयर 31st March एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर लास्ट एंट्री वेन रॉयल्टी अकाउंट इज ट्रांसफर टू पीएल तो ये पोस्टिंग नहीं होगा। फिफ्थ ईयर कंप्लीट हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। यहाँ बोथ साइड इक्वल लैंडलॉर्ड अकाउंट बोथ साइड इक्वल शॉर्ट वर्किंग डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है बाई बैलेंस सी डी फिफ्थ ईयर 31st March और ये यहाँ टू बैलेंस बी डी 1500 सिक्स्थ ईयर 1st April। ओके थैंक यू। क्वेश्चन कंप्लीट।